आज हम देखने वाले हैं उप सहसहज यौगिक का आईओपीएसी नामकरण। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका आईओपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। और मैंने इस टॉपिक का 3 लेक्चर ऑलरेडी बना चुका है, आप उनको देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड को, उसके बाद केंद्रीय आयन को। इस विधि को मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखेंगे इसको, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे तो हेक्सा साइनो, क्या लिखा जाता है इसको, हेक्सा साइनो कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, 3 आयन। ऑक्सीकरण ये जो होता है इसको क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है। तो इस ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, मतलब यहाँ पे लिखने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए ये किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप तो ध्यान से देखिए। इसका +1 होता है, तो +1 × 3 हम किसका निकाल रहे हैं, कोबाल्ट का निकाल रहे हैं। तो प्लस क्या हो जाएगा, एक्स, इसका निकाल, इसलिए क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। सी एन, इसका मान कितना होता है, -1 होता है, तो -1 × क्या हो जाएगा, 6। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 3 × 1 3 एंड प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 6 = 0। अब देख यहाँ पे क्या होगा, हम -3 = 0, x = क्या हो जाएगा, +3। देखिए यहाँ पे 3 लिखना है, ये आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है, ये निकालने आना चाहिए। चलिए हम इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। दूसरा में किस प्रकार से हम क्या किस प्रकार से बनाएंगे उसको, इसी का मैं दूसरा रूप लिख रहा हूं, K4CO CN6। देखिए जहां मैंने K3 लिखा वहां पे क्या कर दिया मैंने K4, तो यहां पे क्या होगा, देखिए किसको लिखेंगे पहले, पोटेशियम को, क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम हेक्सा साइनो, या साइनो कर सकते हो, साइनो कोबाल्ट, कोबाल्ट। देखिए यहां पे 3 ऑक्सीकरण आया था, एक संख्या बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2, ओके, ठीक। इस प्रकार से आपको निकालना है। उसी प्रकार से हम और देखते हैं उदाहरण, उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण हम देखेंगे कुछ इस तरह से आता है, जिसका शॉर्टकट नाम दिया रहता है, उसको किस प्रकार से हमको बनाना है, चलिए देखते हैं। तीसरा एन, ठीक है, ई डी टी ए, लगभग आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। एक मिनट, यहाँ पे E, D, T, A, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, मतलब एग्जाम में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो आप किस प्रकार से इसके लिखेंगे। सबसे पहले वही रहेगा जो संकुल आयन मंडल के बाहर है, इसको क्या लिखेंगे हम, सोडियम, ठीक है, सोडियम। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसी टेट, क्या लिखेंगे, टेट्रा एसी टेट, सोडियम एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसी टेट, ठीक है जी। क्या लिखेंगे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे एक और बचा हुआ है कि इनका जो सिंबल होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, वो क्या होती है, इसका होता है 2, क्या होती है, 2। तो वो किस प्रकार से होता है, देखिए हम किसका निकालने जा रहे हैं, निकिल का। तो सोडियम का क्या होता है, +1 होता है, तो +1 × क्या हो जाएगा, 2। निकिल क्या हो जाएगा, x, इसका मान होता है
माइनस चार, पूछने मतलब क्या हो जाएगा जीरो। तो टू प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा जी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टू, तो आ गया टू। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक उदाहरण और बता रहा हूं इसी का, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी का इंग्लिश में किस प्रकार से लिखा जाए। चलिए हम इस प्रकार से हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एक इस प्रकार से आता है, जैसे इस प्रकार से दिया जाएगा आपको CO CONH3 5H2O इस प्रकार से क्वेश्चन, इस प्रकार से मतलब आ सकता है, कहने का मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन आए, मतलब आपको उदाहरण बता रहा हूं कि इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या रहेगा, देखिए सभी संकुल के अंतर्गत है, एक बाहर है, ये ऋणात्मक है, इसको लास्ट में लिखते हैं, सब बता दिया गया है आपको। इसको क्या बोलते हैं, एक वा, क्या बोलते हैं एक वा। उसके बाद क्या है पेंटा, ये क्या है पेंटा एमिन, पेंटा एमिन। अभी क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट, ये क्या है आपका कोबाल्ट। अब यहां देखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। ठीक है, यहां पे हो जाएगा थ्री आयन, देखिए ये लास्ट उसको बाद में लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्लोराइड, क्या लिखेंगे क्लोराइड, ऐसा राइट, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, यदि आपके पास इस प्रकार से उप सहसंयोजक यौगिक आता है तो आप जो है उनको इसी प्रकार, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे है ना, उसके बाद क्योंकि ये क्या है आपका ऋणात्मक है, उसके बाद लिगेंड को, फिर केंद्रीय आयन को, फिर शंकु के बाहर जो ऋणात्मक है उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो एक्वा पेंटाएमिन कोबाल्ट, ये ऑक्सीजन संख्या, ये क्या हो गया क्लोराइड। तो आप में प्रश्न उठ रहा होगा कि थ्री कहाँ से आया है ना, मैं आपको बता देता हूँ, कोबाल्ट अगर निकाल रहे हैं तो एक से होगा, एमिन टू की क्या होती है उदासीन होती है। ठीक है, ये क्या होता है अपवाद है, इसको हम उदासीन में भी लेते हैं और इसका माइनस टू भी होता है ना, तो देख अब प्लस माइनस टू, इससे क्या हो जाएगा प्लस माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्लोरीन का माइनस वन होगा। ठीक, तो एक्स प्लस जीरो माइनस टू माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा थ्री। ठीक है, सिर्फ क्या हो गया थ्री हो गया। ठीक, ये चार मैंने उदाहरण दिया है, यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन यदि समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, मैं और इसका अलग से चैप्टर बना के डालूंगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, अब हिंदी में लिखा रहेगा उसको इस प्रकार से आपको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको क्या किया जाएगा दिया जाएगा, चलिए यहां पे ले देता हूं थ्री आयन। ठीक है, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम थ्री आयन, यदि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये टेट्रा, ये क्या है आपका टेट्रा, तो सीधी से बात है टेट्रा मतलब क्या हो जाएगा चार, क्लोरो है, क्लोरो किसको लिखा जाता है सीएल को लिखा जाता है, प्लेटिनम तो सीधी सी बात है प्लेटिनम क्या होता है सिंबल क्या होती है पीटी होती है, अब होता है थ्री आयन, इसको आप ब्रैकेट में इस प्रकार से बंद कर दीजिए, अब थ्री आयन बोल रहे हैं ना, थ्री आयन, तो थ्री आयन कब आएगा, अब इतना तो लिख दिए, इसका क्या होता है माइनस चार होता है, तो कब आएगा ये, यहाँ पे क्या लिखेंगे
माइनस आयन लिखा है ना, आयन आयन क्या हो जाएगा माइनस। मैंने इसको किस प्रकार से लिखा, प्लेटिनम टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम थ्री आयन, ठीक है। यहाँ पे फोर है, इसका माइनस चार होगा, पक्षांतर करेंगे चार होगा, लेकिन हमको आना कितना है तीन। यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस वन, माइनस वन यहाँ पे रहेगा तो प्लस फोर हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस थ्री आ गया थ्री है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डाई क्लोरो डाई एमिन प्लेटिनम, दूसरा डाई क्लोरो डाई एमिन डाई क्लोरो डाई एमिन प्लेटिनम प्लेटिनम, ठीक है। और देखिए डाई मतलब क्या होता है, दो दो बिल्कुल लिख दीजिए, क्लोरो तो क्या हो गया ये सीएल हो गया, डाई एमिन फिर टू, एमिन मतलब क्या होगा एनएच थ्री, इस प्रकार से ये क्या है प्लेटिनम, ये क्या हो गया पीटी, ठीक है। अब यहां तक तो लिख दिया, उसके बाद इसमें लिखा हुआ होगा मान लीजिए कि डाई क्लोरो डाई प्लेटिनम टू, इसे लिख दिया है केवल टू, इस प्रकार से लिखा हुआ ऐसा, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसी समझ में आ जाएगा, आयन ने लिखा ना, आयन जैसे ही लिखा रहेगा आप समझ जाना है इसमें या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या प्लेटिनम डाई क्लोरो डाई एमिन प्लेटिनम टू, तो टू कहां से आया देखिए, एमिन क्या हो गया जीरो हो गया, माइनस टू पक्षांतर करेंगे तो माइनस प्लस टू हो जाएगा, ये क्या आपका क्लियर है, इसमें कोई आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, देखो मिटा मिटा के बता रहा हूं मैं, आप इसको जब भी देखें फटाफट इसको नोट करते जाइए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पोटेशियम टेट्रा आयो टो मर्क्यूरेट, ठीक है। मैंने क्या बोला, पोटेशियम पोटेशियम टेट्रा आयोड टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, ठीक है। पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, तो हम पोटेशियम पहले लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे पोटेशियम, चलिए यहां पे मैं लिख देता हूँ टू आयन, टू बस लिख देता हूँ, ठीक है, टू आयन ऐसे लिख देता हूँ, ठीक। तो पोटेशियम, चलिए पोटेशियम पहले लिख देता हूँ, ये पोटेशियम हो गया टेट्रा, तो टेट्रा मतलब क्या हो जाएगा चार, आयोडो मतलब क्या होगा आई, मर्क्यूरेट मतलब क्या हो जाएगा एच जी, ठीक है। अब ये तो इस प्रकार से हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम के, लेकिन यहाँ पे क्या है टू आयन है, टू आयन है तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो आई फोर है, इसका क्या हो जाएगा माइनस चार, तो माइनस चार में कितना घटाएंगे तो माइनस दो आएगा दो, ठीक है। तो के टू एस जी आई फोर मतलब क्या होगा टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, इसको पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, ठीक है। इस प्रकार से यदि ये आयन नहीं है, इस प्रकार ये आयन नहीं है तो इस प्रकार से रहेगा, यदि यहाँ पे आयन लिख दिया जाए आयन ये हो जाएगा आपका माइनस टू या टू माइनस, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। यदि आप यहाँ आयन लिख दूं तो यहाँ पे क्या रहेगा टू माइनस, यदि यहाँ पे आयन हटा दूं तो ये कहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने तीन इसका तीन उदाहरण दिया और उस प्रकार के चार उदाहरण दिया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से समझाया, क्योंकि इसका पूरा थ्योरी मैंने लाइन से समझा दिया इसलिए मैंने इसको फटाफट फटाफट समझाने का प्रयास किया, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।